अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे फेसबुक पेज, हमारे किचन और हमारे यूट्यूब चैनल माजी के जायके में खुश आमदेद। आज हम बनाने लगे हैं करेले और प्याज। इसको लोग दो तरह से बनाते हैं, रेसिपी सेम होती है। बाज लोग बनाते हैं करेले प्याज, यानी कि जितने करेले होते हैं उससे आधा इसमें प्याज डलता है, और बाज लोग बनाते हैं प्याज करेले, यानी कि जितने करेले हो उतना ही प्याज हो। तो मैंने दरमियान में एक मिडल सा बना रही हूँ, करेले की भुजिया कह लें। तो तकरीबन जितने करेले हैं उस अंदाजे से मैंने प्याज या अनियन ले लिया है। इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये मैंने लिए हैं 1 किलो करेले, उसमें से मैंने बीज निकाल के साफ करके, इसको मैंने छीला नहीं है, सिर्फ बीज निकाल के इतने मोटे मोटे चंक्स काट लिए हैं। मुझे बारीक ज्यादा करेले नहीं पसंद, ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप किस स्टाइल में काटते हैं। इसको मैंने नमक लगा के रख दिया था। नमक लगाने के बाद अब मैंने इसको वॉश करने के लिए पानी में भिगोया है। अभी मैं आपको निचोड़ के इसको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। तो तकरीबन 1 किलो करेले थे। ये हमने लिया है 1 दरमियाने साइज का अनियन, इसको हमने बारीक बारीक ये देखें अंडों की तरह काट लिया है। ये हमारा मसाला बनाने में इस्तेमाल होगा। इसके साथ ये तकरीबन जितने मेरे पास करेले हैं उतना ही ये मेरे पास अनियन है, प्याज है। देखें ये ना मोटा ना पतला, इस तरह कटा हुआ है। ये मैं अनियन करेले पकाने के बाद इसको दम दूंगी। इसके अलावा ये मेरे पास 4 अदरक टमाटर हैं, इनको मैं मसाले में डालूंगी, लेकिन मैं इसकी प्यूरी बना के डालूंगी ताकि इसका छिलका ना हो जाए, मुंह में ना आए, और ये बहुत जल्दी फिर बन भी जाते हैं और गल भी जाते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 जवे थे। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास अदरक लहसुन है, 1/2 टीस्पून लेवल जो है मेरे पास हल्दी का है, 1 टेबलस्पून जो है मेरे पास लाल मिर्च है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पसंद करते हैं, नमक हसबे जायका। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेरे पास बहुत फाइन बारीक कटी हुई हरी मिर्च है ताकि ये जल्दी गल भी जाएगी और इसका टेस्ट जो है हरी मिर्चों में बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा दम देने के लिए मेरे पास तकरीबन 2 बुलेट चिलीज हैं, ये मोटी वाली मिर्च, और इसके अलावा मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को ऐसे लंबा लंबा काट लिया, एंड पे धनिया गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले ये जो हमने लिया था मतलब करेले, इसको हम इस तरह एक जितने भी हमारे हाथ में आएंगे और इसको लेके हम अच्छी तरह दबा दबा के इसमें से पानी निकाल के इनको निचोड़ के साइड पे रखते जाएंगे, और जब सारे इस तरह कर लेंगे तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं सारे निचोड़ के आपको दिखाती हूँ। जितना अच्छा दबा के इसका पानी निकालेंगे ये इतनी जल्दी फ्राई होंगे। इनको हम साइड पे रखते जाएंगे इसी तरह बारी बारी हम सारे। ये देखें ये अच्छी तरह मैंने करेलों को निचोड़ लिया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैंने इनको छीला नहीं है, मैंने इनको इस तरह चौड़ा चौड़ा काट के नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, फिर 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया ताकि इसमें नमक ना रहे और हांडी में नमक ज़्यादा ना हो। उसके बाद मैंने इसको धोने के बाद 5 से 10 मिनट तक, जब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी, इसको पानी में रखा है और उसके बाद अच्छा सा निचोड़ लिया है। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। ऑयल को हमने अच्छा सा गर्म करके थोड़ा सा ही ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे वरना बाद में वो कड़वा हो जाता है और इस्तेमाल में नहीं आता। तो 2-3 बैच के इसमें करके ये करेले फ्राई कर लेंगे। एक दफ़ा इकट्ठे नहीं करेंगे, 2-3 दफ़ा में अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ मैं मसाला भी बनाना शुरू कर देती हूँ, तो साथ साथ आपको वो भी दिखाती हूँ। अब हमने 1/4 कप तकरीबन ऑयल लेंगे, दूसरी तरफ हमारे करेले फ्राई हो रही हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, इसलिए कि बाद में जो ऑयल बच जाएगा हमारे करेलों से वो हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे, उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है करेलों का। तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके इसमें हम प्याज डालेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारा करेले भी फ्राई हो रहे हैं, उसको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे कि तरह गर्म हो गया। ये देखें तो इसके अंदर जो बारीक कटा हुआ प्याज है हम वो डाल के इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें हमारी प्याज सौते से थोड़ी सी जैसे ज़्यादा हो गई है, इसके कॉर्नर ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ये देखें हल्का सा ही इसका कलर चेंज हुआ, पूरा चेंज भी नहीं हुआ। तो इसके अंदर हमने
जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ था वो डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखें हमने कितने क्रिस्पी और क्रंची से करेले फ्राई किए हैं इस तरह से, और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे भी नहीं। अब ये मैं निकाल के और इसी तरह बाकी सारे जो बचे हैं करेले फ्राई कर लूँगा। ये देखें हमने इस तरह तकरीबन अदरक लहसुन को भी सौते से थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, प्रॉपर ब्राउन नहीं किया। अब इसके अंदर मैं नमक लाल मिर्च हल्की आंच करके, जैसे मैंने पहले बताया कि मसाला जलना नहीं चाहिए, और हल्दी डाल दूंगी। अगर आपका दिल करे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। इसको हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि मसाला जले ना। मैं इसी में मिक्स करके हल्का सा फ्राई कर दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए हमारा इस तरह मसाला भुन रहा है हल्का सा। अब जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है ये देखें ब्लेंड कर लिए हैं। इसमें ये होता है कि मुँह में छिलके नहीं आते, छिलके भी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाते हैं। वो मसाले में डाल के अच्छी तरह मसाले को भूनूंगी जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता। जब हमारा देखें टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको मसाला भूनते तक पकाएंगे। मसाला तकरीबन हमारा भून सा गया है, ऑयल कम है, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमारे करेले हो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था करेले जो हैं काफ़ी टाइम लेते हैं और बहुत आराम आराम से होते हैं, तो मैं मसाला बंद करके करेले फ्राई होने तक वेट करूंगी। ये देखें ये हमारा लास्ट जो बैच है वो हो रहा है। तो उसको हम अच्छा सा, मैंने पहले भी बताया था, हल्की आंच पे क्रिस्पी क्रिस्पी सक करके और डार्क सा फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर कड़वाहट ना रहे। अच्छा ये देखें ये करेले मैं निकाल रही हूँ और जो इसका बचा हुआ ऑयल था वो हम इसमें डाल के इस मसाले को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें हमारा मसाला अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हमने जो करेले फ्राई किए हुए थे वो इसमें डालेंगे, साथ ही जो हमने प्याज काटा हुआ था वो भी इसके अंदर डालेंगे। जो हरी मिर्चें थी वो भी डाल के हम इसको 15 मिनट तक हल्की आंच पे दम दे देंगे। दम देने चाहें तो आप वैसे ही दम दे दें, लेकिन मैं मसाला अच्छी तरह मिक्स करके फिर दम दूंगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके मसाले में और इसको हम दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं हम इसे दम दिए हुए। ये देखें यह मज़ेदार सा हमारा प्याज करेले तैयार है। इसको हम गार्निशिंग करते हैं और इसको अब मैं डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा गर्म गर्म प्याज करेले या करेले प्याज कह लें। इसमें एक मसला ये भी है कि मैंने थोड़ी सी चौड़ी कटिंग की थी। अगर आप बिल्कुल इसकी पतली पतली करेलों की कटिंग करेंगे तो प्याज के बराबर ही करेले होंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।